नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों आज मैं आपको एक पत्ते के बारे में बताऊंगी जो हमारी विश पूरी करता है। जी हाँ दोस्तों, वो है तेज पत्ता, जिसे बेलिप्स कहा जाता है। आप हंस रहे होंगे लेकिन हंसिए नहीं, इससे वाकई में विश पूरी होती है। इससे जुड़ी हुई मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, मेरे चैनल में आप जा कर के देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कोई भी विश है, चाहे वो जॉब से संबंधित हो, चाहे आपको वो पैसे से संबंधित हो, चाहे आपको वैभव चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, चाहे मकान चाहिए, चाहे आपको अच्छी शादी करना चाहते हैं, आपके परिवार अच्छे रहें, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप कोई विश मांगते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, उत्तम रहे, चाहे कोई भी विश मांगना चाहते हैं, वो विश ये पत्ता पूरी करेगा, तेज पत्ता। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों तेज पत्ता, जिसे हम गरम मसाला में यूज करते हैं, जिसे हर किचन में आपको तेज पत्ता देखने को मिल जाएगा। इससे हम खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ता, बल्कि ये उपाय करने में, तोने टोटके करने में, यहाँ तक कि ये तंत्र मंत्र में भी इसे उपयोग किया जाता है। कई सारी पौराणिक कथाओं में तेज पत्ता का महत्व बताया गया है। आज मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक उपाय बताती हूँ। अगर आप इसे करते हैं तो आपकी विश विदिन 1 वीक 2 वीक में आपकी पूरी हो जाएगी। अगर बाय द वे डिले हो भी जाए तो आप घबराइएगा मत, ये विश पूरी करता ही करता है। फिर आप इसे 1 सप्ताह बाद आप फिर दोबारा से इस चीज़ को, इस ट्रिक को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें तेज पत्ता, इस बार आपको 2 तेज पत्ता चाहिए, बिल्कुल कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ये देखिए 2 तेज पत्ता चाहिए और आपको हरे रंग का पेन चाहिए, या हरे रंग का आप स्केच पेन ले सकते हैं, चाहे हरे रंग का पेन ले सकते हैं, चाहे मार्कर हरा रंग का ले सकते हैं। अब आपको इसमें एक नंबर लिखना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, जल्दी से बताती हूँ और जल्दी से आप अभी अपने विश लिखिए और जल्दी से अपनी विश पूरी करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी विश पूरी हुई कि नहीं हुई। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें लिखना क्या कौन सा नंबर है। और जब भी आपको इस नंबर को लिखना है तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम के समय, संध्या काल में करते हैं तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है, नहीं तो या तो फिर सुबह के समय, एकदम सुबह के समय, मॉर्निंग के समय नहा करके आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय कीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको 2 तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता बिल्कुल देखिए कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको ग्रीन कलर का पेन लेना है, चाहे स्केच पेन लेना है, मतलब हरे रंग का पेन होना चाहिए, चाहे स्केच पेन होना चाहिए, क्योंकि हरा रंग बुध को रिप्रेजेंट करता है और बुध बुद्धि का है। तो आपके पास जब बुद्धि रहेगा तो आपके पास हर कुछ आप पा सकते हैं। आपके पास अगर बुद्धि रहेगा तो आप, बुद्धि ही ऐसा चीज़ है कि दिमाग से आदमी हर कुछ पा सकता है। अब चलिए इसमें नंबर लिखना बताती हूँ आपको। तेज पत्ता का देखिए ये पहला साइड जो होता है एकदम चिकना होता है, ये पहले ऊपर के साइड में ना लिख करके इसे उल्टे साइड यानी कि पीछे के साइड लिखना है। अब मैंने पूरी तरह से डिटेल में बता दी है, अब चलिए लिख करके मैं दिखा देती हूँ।
अब तेज पत्ता के ऊपर पहले आप एक डिज़ाइन जैसा बना लीजिए, कोई फूल बना लीजिए, चाहे कुछ भी बड़ा सा डॉट बना लीजिए, कुछ भी फूल सा बना लीजिए। ये देखिए छोटा सा फूल सा बना लीजिए। अब इसमें लिखना है 6 0 6 0 6 0, फिर आपको लिखना है 1 1 1 1, फिर नीचे आपको 3 डॉट ऊपर बनाना है, 2 डॉट नीचे बनाना है। 3 डॉट आप ऊपर बना लें इस तरह से, और उसके बाद एक लाइन खींचे, फिर 2 डॉट बना लें इस तरह से, बना लें। देखिए इस तरह से आपको लिखना है। पहले एक छोटा सा डिज़ाइन बना लीजिए किसी भी चीज़ का, फूल का, फिर आपको लिखना है 6 0 6 0 6 0, 1 1 1 1, आपको लिखना है। फिर नीचे आपको 3 डॉट बनाना है, फिर एक लाइन खींचना है बीच में, फिर आपको 2 डॉट नीचे बनाना है। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आपको दोनों तेज पत्ते के ऊपर लिखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर लिख दूंगी, आप देख करके अपने तेज पत्ता पे आप लिख लीजिएगा। अब इस तरह से आपको लिख ले। अब आपको ये दोनों तेज पत्ता को अपनी विश बोलना है, आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी मनोकामना है, उसे पहले बोल लेना है कि मेरी विश है कि मेरी जॉब बहुत अच्छी लगे, मेरी विश है कि मेरे पास बहुत दौलत हो, मेरी विश है कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले, चाहे मेरी विश है कि मैं अच्छा सा अपना घर बना लूँ, अच्छा सा मेरा अपना मकान हो, चाहे मेरी विश, जो भी आपकी विश है, चाहे ये दोनों तेज पत्ते को जला देना है, बर्न कर देना है, यानी कि पूरी तरह से इसे राख कर देना है। अब आपको ये दोनों तेज पत्ता को किसी भी बर्तन में रख करके जला देना है। अच्छे से जला दीजिए, एकदम बिल्कुल पूरा एकदम इसे राख बना देना है। फिर आपको इसे या तो बहते जल में बहा देना है, या फिर आप इसे एक मग पानी ले ले, चाहे एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले, उसमें डाल करके आप किसी गमले में डाल दे, चाहे मिट्टी में डाल दे, इसे मतलब डिस्ट्रॉय कर दे, आपकी विश तुरंत पूरी होगी।